subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बहुत सारे नए लोग भी हमारे साथ में जुड़े होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा है। दोस्तों हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही गंभीर विषय पे बातचीत करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो कि हर एक इंसान की जिंदगी में उसकी अच्छी हेल्थ और उसकी अच्छी हेल्थ बनाने में कारगर साबित हो सकती है। हर एक इंसान आज की डेट में क्या सोच रहा है, कुछ उसको ऐसा मौका मिले, कुछ उसको ऐसा तरीका मिले जिससे वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके, साथ में स्वस्थ भी रह सके, दोनों चीजें एक साथ हो सके। तो दोस्तों आज आने वाले कुछ मिनट, लगभग 45 से 60 मिनट के बीच आप हमारे साथ रहिएगा और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, जो कॉन्सेप्ट में हम आपको बताने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट हम आपको बताने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट को ध्यान से देखिएगा। इसको हम दो चरणों में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे, प्रोजेक्ट है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है और जिसने कि लाखों लोगों की जिंदगी में बड़े परिवर्तन कर दिए। तो मैं आपसे चाहूंगा आने वाले 30 मिनट जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत हो, आप पूरे गंभीर होकर पूरी तरीके से ऐसी जगह पे बैठकर जहां आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, ऐसी जगह बैठकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। और उसके बाद मैं आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा, कुछ एक ऐसे लोगों से जो पूरे इंडिया के अलग अलग कोने से, जिन्होंने इस व्यापार को पिछले कुछ सालों से किया और कामयाबी ली। दोस्तों तो दोस्तों उस सेशन को भी आप जरूर अटेंड कीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से आप रिलेट करेंगे, आपको समझ में आएगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं पहले सेशन की ओर, हम लोग समझते हैं बिजनेस क्या है और कैसे हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के गेटवे टू सक्सेस प्रोग्राम के अंदर, जो कि आपको मौका देगा हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल जीने का। हाँ दोस्तों, आज हर इंसान अपनी जिंदगी में इन दो चीजों के लिए दौड़ रहा है। वैसे तो कहा जाता है इस दुनिया में 7 सुख हैं, लेकिन 2 सुख बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा आज हेल्दी और वेल्दी लाइफस्टाइल की, और खास तौर पे पिछले कुछ दिनों में जो हमने देखा, हमने कोरोना को झेला, हमने देखा को लॉकडाउन पीरियड को दिया और आज भी हम उस चीज से झेलते हुए आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों आज हर इंसान अपनी जिंदगी में इस लॉकडाउन के बाद में क्या देख रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसकी लाइफ के अंदर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई आ रही है, आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है कि लॉकडाउन ने हमारे जीवन को कैसे प्रभावित किया है। लॉकडाउन की वजह से आज हम सोच रहे हैं कि हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, हम स्वस्थ रहने चाहिए, हमारी जॉब में जो इनसिक्योरिटी बन चुकी है, जॉब हमारी बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, हमारी सैलरी तो नहीं कट होने वाली है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है बिजनेस में क्राइसिस तो नहीं हो जाएंगे या हो चुके हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस का बहुत बड़ा आज चिंता का विषय हो चुका है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात में कोई ऐसा चेंज तो बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है ट्रेंड्स के अंदर, और सबसे बड़ी बात जो खतरा मंडरा रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। दोस्तों हाँ दोस्तों, बेरोजगारी बहुत तेजी से इस समय, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एक रिपोर्ट आई कि 14 करोड़ नौकरियां खतरे में है, इट मींस बहुत सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं। तो लॉकडाउन का जो इफेक्ट है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से प्रभावित कर रहा है लोगों के जीवन में, और इस वजह से लोग क्या चाह रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसा काम मिले जो उनको खुद करने का मौका मिले, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें वो बिजनेस कर सके, वो एंटरप्रेन्योर बन सके, अपना खुद बिजनेस आगे बढ़ा सके, उस काम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो, उस काम को जब स्टार्ट करे तो बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना पड़े, कोई उसमें रिस्क नहीं हो, उस काम में चेंज नहीं करने पड़े बहुत बड़े, उस काम के अंदर सबसे अच्छी बात यह हो कि वो घर से शुरू हो सके, वो वर्क फ्रॉम होम हो सके, ऐसा कोई काम हमें मिल जाए, इसके अलावा वो हमें डिजिटली तरीके से उस काम को हम बढ़ा सके, हम अपने मोबाइल लैपटॉप से उस काम को कर सके और साथ में लोगों से भी कनेक्ट हो सके, सोशल कनेक्टिविटी भी बरकरार रह सके और तुरंत जिसमें हम लोग अर्निंग कर सके। आज हर इंसान ऐसी सारी चीजों की तलाश कर रहा है। तो दोस्तों वो तलाश आपकी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं जो आपको ये सारी चीजें अवेलेबल करा सकती है, जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप सोशल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी रखते हुए घर से अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या बिजनेस हो सकता है, तो दोस्तों बिजनेस की बात करें तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम है जे पॉल गेटी, जिन्होंने बताया अगर आपको जीवन में कामयाब बनना है तो 3 सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा, 3 सिद्धांतों पे काम करना पड़ेगा। पहला सिद्धांत ये कहता है कि आपको सबसे पहले करना पड़ेगा बिजनेस। दूसरा सिद्धांत कहता है वो बिजनेस होना चाहिए फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स का, जो रोजमर्रा के जीवन में काम आते हो। और तीसरा सिद्धांत कहता है कि वो आपके अकेले पे निर्भर नहीं होना चाहिए, आपके साथ में बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत सारे लोग उस काम को करने वाले होने चाहिए। अगर कोई बिजनेस आपको तीनों सिद्धांतों पे मिले तो उस बिजनेस में आपका करियर, आपका जीवन, आपका भविष्य बहुत बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों अगर हम मार्केट की बात करें तो कोई भी बड़ा बिजनेस सेटअप करना हो तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा और वो हम पे डिपेंड होने वाला है। तो दोस्तों ऐसा क्या बिजनेस हो सकता है क्या जो हम घर से कर सके
सके और तीनों चीजें उसमें अप्लाई हो सके। हाँ दोस्तों, एक ही एक इंडस्ट्री है जिसने साबित कर दिया पिछले लगभग 60 दिनों के अंदर कि इस पीरियड के अंदर भी जो इंडस्ट्री बरकरार रही, जिसने लोगों को पैसा दिया, जिसने लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी, जिसमें FMCG प्रोडक्ट है और जिसमें लोगों के साथ काम किया जाता है, वो इंडस्ट्री कौन सी दोस्तों? वो इंडस्ट्री है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग क्यों है दोस्तों, इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए हमको पहले ट्रेडिशनल बिजनेस को समझना पड़ेगा, मार्केट में बिजनेस कैसे होते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, एक यहां पे सिनेरियो आप देख रहे हैं, मार्केट के बिजनेस का पूरा मॉडल है यहां पे। देखिए दोस्तों, मार्केट में बिजनेस कैसे होता है, कोई चीज बनती है और कोई चीज बिकती है तो उसके बीच में बिजनेस होता है। बनाने वाली कंपनी, खरीदने वाला कस्टमर, और कस्टमर कोई और नहीं, आप और हम सभी लोग कस्टमर है दोस्तों। कंपनी से कभी भी माल डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं आता, एक बीच का चैनल होता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं दोस्तों। उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू हम तक माल पहुंचता है और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, पहुंचाने के लिए, लोगों तक इन्फॉर्मेशन देने के लिए एडवर्टाइजमेंट होता है दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी चीज मार्केट के अंदर बनके जब तैयार होती है, कंपनी से बाहर निकलती है, तो वो 30 से 40 रुपए में निकलती है, कस्टमर को 100 में मिलती है, 60 से 70% पैसा मिडिल मैन और एडवर्टाइजमेंट में जाता है। लेकिन देखा जाए तो मेन बात यह है, चीज के चलने में किसका हाथ है? चीज के चलने में या तो उसकी क्वालिटी का हाथ है या कस्टमर के द्वारा की गई माउथ पब्लिसिटी का हाथ है, जो कि उसकी सेटिस्फेक्शन के बाद में आती है। कोई प्रोडक्ट अच्छा होगा, कस्टमर को अच्छा लगेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, और कस्टमर खुद कस्टमर को बता के उस प्रोडक्ट का बढ़ावा करता है ताकि वो प्रोडक्ट आगे से आगे लोग खरीद सके और अपने जीवन में उसका लाभ ले सके। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये कहती है, जब ये दो काम ये दोनों लोग कर रहे हैं, कंपनी को क्वालिटी डाल रही है और कस्टमर उसका बढ़ावा कर रहा है, तो पैसा बीच में क्यों जाए? ऐसा कुछ करें कि डायरेक्ट कस्टमर को माल मिल जाए कंपनी से और बीच के चैनल को हटा दिया जाए और वो 60-70% पैसा कस्टमर को वापस मिल जाए, इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहा गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये पैसा डायरेक्टली कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ऐसा मॉडल हो जिसमें चीज तो अभी 80 रुपए की 100 रुपए की मिले, लेकिन बीच का 40-60% पैसा एक मॉडल के थ्रू उनको बांट दिया जाए, तो उसमें लोग अपनी जिंदगी के अंदर, तो उसमें लोग अपनी इनकम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। वो मॉडल क्या है? तो दोस्तों मार्केट का एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं फ्रेंचाइजी सिस्टम, जिसके अंदर बड़े 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 टाइकून सिस्टम पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कैफे कॉफी डे है, डोमिनोज है, पिज्जा हट है, ऐसे बड़े बड़े टाइकून से, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है मैकडोनल्ड, जिसकी शुरुआत सालों साल पहले हुई। आज पूरी दुनिया में 36,000 मैकडोनल्ड है। आप सोच के देखिए, इतने सारे मैकडोनल्ड पे मैकडोनल्ड का मालिक आके नहीं बैठता है, लोगों ने उसका नाम लिया, उसका क्वालिटी लिया, और क्या होता है, जो फ्रेंचाइजी ले रहा है इन्वेस्टमेंट उसका होता है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसमें 4% का पार्टनर मैकडोनल्ड है। 36,000 मैकडोनल्ड से डेली के करोड़ों रुपए का आज टर्नओवर क्रिएट होता है एज अ रॉयल्टी मैकडोनल्ड को। वो क्या कर रहा है? अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है। इस फ्रेंचाइजी सिस्टम में एक व्यक्ति जो मेन फ्रेंचाइजी देने वाला है, वो आज की डेट में बहुत बड़े पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा है। बाकी लोग एक्टिव इनकम में, बाकी लोग काम करते हैं, दुकान खोलते तो पैसा आता है, मेन आदमी आज दुनिया में नहीं है तो भी रॉयल्टी के करोड़ों रुपया पर डे के उसके घर में जाते हैं दोस्तों। देखिए इसकी जो कमी है वो यही है कि एक तो इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है और दूसरा इसमें आगे फ्रेंचाइजी अलॉट नहीं की जा सकती है। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या देखा गया, क्या किया जाए, अगर इन जो नीचे के लोग हैं, ये सारे जो फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग हैं, इनको ही दे दिया जाए अधिकार कि ये भी आगे फ्रेंचाइजी दे सके, अपने साथ लोगों को अटैच कर सके और प्रॉफिट सभी में बांट दिया जाए, तो इसी को कहा जाएगा दोस्तों प्राइवेट फ्रेंचाइजिंग, और इसका जो नया रूप है वो है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब नेटवर्क मार्केटिंग की हम अगर परिभाषा की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा कहती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर के द्वारा, कस्टमर्स में पहुंचाया जाने के द्वारा और बनने वाले कस्टमर्स के नेटवर्क में प्रॉफिट को बांट दिया जाना ही नेटवर्क मार्केटिंग है दोस्तों। अब नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करते हैं दोस्तों या डायरेक्ट सेलिंग की, तो आज से व्यापार नहीं चल रहा, इसको 70 साल हो गए पूरी दुनिया में चलते हुए। अगर हम बात करें 100 से ज्यादा देशों में आज एक सफलतापूर्वक काम कर रहा है और उन देशों की आर्थिक उन्नति में सहयोग कर रहा है। आज की डेट में जब सारे बिजनेसेस बंद हैं पूरी दुनिया में और एक ही एक बिजनेस है जो पूरी तरीके से आज घर बैठे लोग कर पा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है दोस्तों, जो ऑनलाइन वे में भी लोगों को मौका दे रहा है आगे बढ़ने में। 20 साल से ज्यादा समय से आज ये इंडिया में संचालित हो रहा है, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने आज इसको प्रमाणित उद्योग का दर्जा दे चुकी है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर गाइडलाइन ले चुकी है 2016 के अंदर दोस्तों, और आज की डेट में पिछले साल के टर्नओवर की बात करूं तो सालाना 13,000 करोड़ का टर्नओवर ये इंडस्ट्री क्रिएट कर रही है। हम बात करें आज इंडस्ट्री के बारे में क्या राय रखते हैं, तो देखिए नीति आयोग के चेयरमैन वो भी इस इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के बारे में कहते हैं कि इंडस्ट्री भारत का भविष्य है, बहुत बड़े लेवल पे इंडस्ट्री जाने वाली है। फिक्की के चेयरमैन इसको सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर इस इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं कि इंडस्ट्री बहुत तेजी से इंडिया को ग्रोथ करने में मदद करने वाली है। तो ये इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज की डेट में बड़े बड़े पाठ्यक्रमों में MBA के अंदर यूनिवर्सिटीज में आज नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जाने लग रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं भविष्य की, तो ऐसा कहा जा रहा है, KPMG की रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 5 साल के अंदर यानी 2025 में ये इंडस्ट्री जो आज 13,000 करोड़ की है वो 64,000 करोड़ की होने वाली है दोस्तों। सोच के देखिए दोस्तों, 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री यानी इसका 60% पैसा आपके और मेरे जैसे लोगों में बंटने वाला है। बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों, अगर आज हम इसको शुरू करते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं डायरेक्ट सेलिंग में, भारत में हजारों कंपनियां हैं, किसको चूज किया जाए? तो दोस्तों हर चीज का एक पैरामीटर होता है, किसी भी चीज को खरीदने का यूज करने का एक पैरामीटर होता है, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग को चूज करने का भी एक पैरामीटर है और वो पैरामीटर कहलाता है 5P पैरामीटर। ये 5P पैरामीटर क्या बोलता है दोस्तों? ये 5P पैरामीटर ये बोलता है जिस कंपनी की प्रोफाइल अच्छी हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट में दम हो, जिस कंपनी का प्लान दमदार हो, जिस कंपनी का PR सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर हो और जिस कंपनी में प्रमोशनल सपोर्ट सिस्टम दमदार हो, उस कंपनी में कोई भी व्यक्ति अपना करियर बना सकता है। तो दोस्तों 5P जो मैंने आपको बताया, वो 5P पे कोई ऐसी कंपनी है जो खरी उतरती है? तो दोस्तों जब हम सर्च करते हैं तो 5P पे एक कंपनी है जो अपने आप को स्टैंड करते हुए अपनी प्रोफाइल को, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लान को, अपने पेआउट सिस्टम और अपने प्रमोशनल सिस्टम को, सपोर्ट को पूरी तरीके से मजबूत रखते हुए अपने लोगों को आगे बढ़ाती जा रही है, वो भारत की सबसे अग्रणी कंपनी और नंबर 1 कंपनी है, वो है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड दोस्तों। हाँ दोस्तों, माई लाइफस्टाइल, मैं आज आपसे माई लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं दोस्तों। माई लाइफस्टाइल क्या है? तो सबसे पहले देखा जाए तो जितना भी आप गूगल सर्च इंजन पे देखेंगे तो टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज, तो नंबर 1 पे आपको माई लाइफस्टाइल का नाम देखने वाला है दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूं कंपनी के मैनेजमेंट की, तो बहुत ही अनुभवी मैनेजमेंट है जिनको सालों का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का और कॉर्पोरेट का। हमारे CEO है मिस्टर कैलाश भट्टड़, हमारे CEO है मिस्टर सलील मैथ्यू, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है आलोक पांडे सर, हम जो कि मार्केटिंग देखते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं वो सुनील सिंह सर हैं, और हमारे सबसे जबरदस्त व्यक्ति हैं जो कि हमारे चीफ कंसल्टेंट जो कि हमारे कई सालों से आज हमारे साथ में, जो कि बड़ी बड़ी हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी के साथ में काम कर चुके हैं, आज पिछले लगभग 8 सालों से माई लाइफस्टाइल के साथ में कंधे से कंधा मिला के अपनी सेवाएं दे रहे हैं दोस्तों, वो है मिस्टर KK राजेश सर। तो दोस्तों इतना अनुभवी मैनेजमेंट है जिनको सालों का अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग का और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का है। माई लाइफस्टाइल की बात करें तो मुख्य ऑफिस चेन्नई में है, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है, ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है दोस्तों, आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी है, प्रबंधन को आज लगभग 19 से 20 साल का अनुभव हो चुका है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और फिक्की की सदस्य है, साथ ही में FDSA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की भी मेंबर है हमारी माई लाइफस्टाइल कंपनी दोस्तों। इसके बाद में बात करूं, सारे लीगल डॉक्यूमेंट है जो आप जाके कंपनी की वेबसाइट पे देख सकते हैं और पूरी तरीके से पता कर सकते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और कंपनी की बात करें तो कंपनी के जो स्टोर है वो ऑल ओवर इंडिया 500 से ज्यादा स्टोर है, पिकअप सेंटर है जो कि इंडिया शॉपी के नाम से है, और कंपनी की वेबसाइट जो स्टोर वेबसाइट है वो www.indiashopee.com जिसपे जाके आप पूरा सामान ले सकते हैं, खरीद सकते हैं और आगे हम प्रमोट भी कर सकते हैं। साथ ही कंपनी का जो प्रमोशनल सपोर्ट सिस्टम है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगे बढ़ने में मदद करता है, वो है हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी, जो कि आज की डेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहा है, जो कि लोगों को सिखा पा रहा है कि व्यापार को कैसे करना है दोस्तों। बात करें कंपनी को 2017 में ई रिटेल का बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिला, ई रिटेल का 2017 के अंदर। कंपनी को सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले साल 2019 में हमारा एक ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस, सिर्फ 5 साल पुराने ब्रांड को आज की डेट में पिछले साल में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड का अवार्ड दिया गया दोस्तों, बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड, जो कि बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों। इसके अलावा बात करूं कंपनी का भी टाई अप हुआ स्किल इंडिया के साथ में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राशि संस्था जो है रिटेलर एसोसिएशन ऑफ स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके साथ में भी कंपनी का टाई अप हुआ और माई लाइफस्टाइल के हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने आपको स्किल इंडिया के तहत सर्टिफाइड कराया दोस्तों। ये सारी कंपनी की प्रोफाइल है दोस्तों। अब बात करते हैं करना क्या पड़ेगा दोस्तों, What to do? तो कुछ नया नहीं करना है दोस्तों, करना वही है जो आज तक करते आए, बस अलग ढंग से करना है। ऐसा बोला जाता है जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो दोस्तों जो काम मैं आपको बता रहा हूं वो आज तक आप करते आए हैं लेकिन अलग ढंग से नहीं किया, इसलिए उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, अभी थोड़ा ढंग बदल दिया तो पैसा आना स्टार्ट होगा दोस्तों। क्या वो काम है? ऐसी 2 आदतें हैं हमारे अंदर, ऐसी 2 मुख्य आदतें जो बचपन से लेकर मरते दम तक रहती है हर इंसान में, वो 2 कौन सी आदतें हैं? पहली आदत है हमारी
जो है खर्चा करना, और दूसरी आदत है वो है हमारी चर्चा करना, यानी हम परचेजिंग भी करते हैं और माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं। ये दोनों काम अगर हमने तरीके से किए, एक सिस्टम के साथ किए, तो हमारी इनकम बढ़ सकती है। और माई लाइफस्टाइल आपको कहता है आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपको दुकान बदलनी है, ब्रांड बदलना है, और माई लाइफस्टाइल के जबरदस्त बेहतरीन 6 ब्रांड हैं, ऑन एंड ऑन, एलिमेंट्स, न्यू स्टार, आहार, एमआई होम और इंडिया ग्रुप। ये 6 के 6 ब्रांड बहुत ही मजबूत ब्रांड है, जिनके प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी वाइज है। इन ब्रांड्स के प्रोडक्ट को हमें यूज करना है और उनको प्रमोट करना है, इससे हमारी आमदनी आना स्टार्ट होगी। दोस्तों कैसे होगी दोस्तों, उसके बारे में बात करूं, पहले मैं इन ब्रांड्स की बात करता हूं। तो ये ब्रांड्स जो है, जो प्रोडक्ट जो हमारे मिलते हैं, वो हेल्थ केयर कैटेगरी में है, वो न्यूट्रिशनल केयर सप्लीमेंट्स कैटेगरी में है, वो पर्सनल केयर के अंदर है, होम केयर, एग्रीकल्चर, और इसके अलावा फूड एंड गॉर्मेट किचन केयर के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। दोस्तों प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी है और कंपनी डे पर डे हर कुछ दिनों के अंदर प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाती जा रही है। दोस्तों प्रोडक्ट को बनाने वाले जो लोग हैं वो बहुत अनुभवी हैं, कंबाइंड एक्सपीरियंस सैकड़ों सालों का है। दोस्तों अगर हम बात करें तो डीबीए नारायणा, डॉक्टर डीबीए नारायणा एक बहुत बड़ा नाम है आयुर्वेद के अंदर, जिनको बहुत बड़ा अनुभव है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इन्होंने बड़े बड़े प्रोडक्ट डिजाइन करके दिए हैं, वो आज हमारे साथ एसोसिएट है। डॉक्टर केसी गवंडन, डॉक्टर हमारे जो तीसरे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सुरेश पाटनकर सर, डॉक्टर एस के शर्मा, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, ये सभी लोग अनुभवी लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे सारे प्रोडक्ट को अलग अलग सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं। खास तौर पे आप देख रहे हैं आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आयुष विभाग के द्वारा जो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड वाला सर्टिफिकेशन है वो है आयुष प्रीमियम। वो तभी मिलता है जब आपकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो और आपका पूरा मैनेजमेंट बहुत बेहतर हो। तो दोस्तों हमारा हर प्रोडक्ट बैच टू बैच क्वालिटी के द्वारा आता है, इस वजह से आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन पहले दिन से हमारे प्रोडक्ट के पास में। दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों ये बिजनेस को शुरू करने का तरीका क्या है। यहाँ पे देखिए कंपनी के द्वारा आपको दो तरीके के वाउचर प्रोवाइड किए जाते हैं, G75 और G35। इन वाउचर्स में अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट है। G75 में ऑन एंड ऑन एलिमेंट्स है, G35 में हमारे पास न्यू स्टार, आहार, एमआई होम और इंडिया ग्रो के प्रोडक्ट हैं। जो भी वाउचर आप परचेस करते हैं, आप 90 डेज की वैलिडिटी में कोई भी प्रोडक्ट परचेस करके आ सकते हैं। जो आपको प्रोडक्ट मन में अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या है मैं ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, जो आपको लेके आए हैं इस मीटिंग के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर, उनसे आप ज्यादा जानकारी लीजिए। प्रोडक्ट बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशनल केयर प्रोडक्ट है, जिनमें हमारे पास में एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, 95 आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत बेहतर साबित होता है, कवच प्राश है जो कि आज जितने भी तरीके के हमारे को चीजें जरूरत है अपनी बॉडी के अंदर हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, वो सारे हर्ब्स इसमें डाले गए हैं। न्यूट्रीलाइफ हमारे पास में प्रोटीन पाउडर है, डायबिटीज के लिए डायबालाइफ है, फैट को कम करने के लिए मैट फैट है, बहुत सारे कैप्सूल्स फॉर्मेट में प्रोडक्ट इसमें, लीवर के लिए है, हार्ट के लिए है, इसमें किडनी स्टोन के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास में। दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम के लिए प्रोडक्ट है, स्ट्रेस के लिए प्रोडक्ट है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्रोडक्ट है, पुरुषत्व को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास में, मेन शक्तिमान, इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास में, हमारे पास में कफ नील है, खांसी के लिए प्रोडक्ट है हमारे पास में, लीवर के लिए प्रोडक्ट है, ब्लड इंफेक्शन के लिए प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। पर्सनल केयर की बहुत बड़ी रेंज है, साबुन, तेल, शैंपू, ये सब प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल हैं, ये सब प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट लेकर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होता है। दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे तीन काम करने हैं, पहला काम परचेस करना है, दूसरा काम यूज करना है, तीसरा काम रिकमेंड करना है। आपने एक बार प्रोडक्ट परचेस किया, यूज किया, अच्छा लगा और रिकमेंड किया तो आपका बिजनेस स्टार्ट, और रिकमेंड करते ही आप फ्रेंचाइजी सिस्टम में आ जाते हैं। आपने प्रोडक्ट परचेस करके फ्रेंचाइजी ली और रिकमेंड किया, जो भी व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू करेगा वो आपकी फ्रेंचाइजी के साथ में एसोसिएट होता है और आपकी टीम बनती है, और टीम बनती है तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाती है। दोस्तों कैसे फायदे होते हैं, आपने जो प्रोडक्ट परचेस किया उसमें आपको 9 तरीके की इनकम लेने के फायदे हैं। दोस्तों 9 तरीके का इनकम यहाँ पे मिल सकती है। एक बार आपने शॉपिंग की, उसके बाद आपको जब जरूरत पड़े, जितना जरूरत पड़े उतना आप सामान ले सकते हैं, लेकिन शॉपिंग करने मात्र से आपको 9 तरीके की बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। कौन से बेनिफिट हैं? पहला बेनिफिट है आपको दोस्तों रिटेल प्रॉफिट। कोई भी आप प्रोडक्ट जब परचेस करते हैं तो आपको 20-40% 50% तक के मार्जिन पे, डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है। आप चाहे तो उसको एमआरपी पे बेच के उसका फायदा ले सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा सेकंड है सेल्स टर्नओवर बोनस। ये कैसे मिलता है? सेल्स टर्नओवर बोनस में आपको टीम बनानी होती है, हर वीक क्लोजिंग होता है, और जो भी क्लोजिंग होता है बिजनेस वॉल्यूम में होता है, 100 रुपीज की परचेसिंग पे 75 या 35 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है अकॉर्डिंग टू ऑफ योर वाउचर। अब इसके अलावा आपको दो टीम बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, जहां जो भी एसोसिएट होते हैं लोग और जो परचेसिंग करते हैं उससे जो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है उसका मैचिंग का 12% आपको मिलता है। कैसे मिलता है देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यहाँ अपने आप को एज्यूम कीजिए, आप यहाँ आप हैं और आपने क्या किया, बिजनेस को आपने कुछ लोगों को बताया, 10-15-20 लोगों को बताया, सारे लोग एसोसिएट
नहीं होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी नहीं होंगे। कुछ लोगों को बिजनेस समझ में आएगा, और हुआ क्या, आपके साथ में दो लोगों को बिजनेस ने स्टार्ट किया, आपके साथ में दो लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, ए और बी। ए ने 10,000 का प्रोडक्ट परचेस किया बिजनेस वॉल्यूम का, और बी ने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेस किया। तो हुआ क्या, कंपनी के सॉफ्टवेयर ने मैचिंग किया, फ्राइडे नाइट को जब क्लोजिंग हुआ तो मैचिंग हुआ आपका 10,000 का, 10,001, 10,002, 10,000 का मैचिंग, इसका 12% आपको 1200 रुपए का इनकम आ गया दोस्तों। ऐसे हुआ क्या, ये ए और बी ने भी अपना टीम जनरेट किया, टीम में जो परचेसिंग हुआ उससे आपको अर्निंग होगा। ए ने जो टीम जनरेट किया उसके द्वारा 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम हुआ, बी के टीम में 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम हुआ, तो कम की तरफ से आपका मैचिंग हुआ, 25,000 का मैचिंग हुआ, आपको 12% मिला, 3,000 का आपका चेक बन गया दोस्तों। ये पूरा इनकम आपको एक नंबर का आता है दोस्तों, टीडीएस कट के आता है, आपके अकाउंट में आता है, एनईएफटी होता है, हर बुधवार को आपकी एनईएफटी एफटी आपके अकाउंट में आती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहां आप देखिए 25,000 और 50,000 अनइवन है, तो क्या होगा, जो बचा हुआ 50,000 में से 25,000 है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ताकि आगे काम आ सके। ओआरजी 1 में अगले हफ्ते 75,000 आया, ओआरजी 2 में 1,00,000, तो 75,000 में ऑटोमेटिकली बचा हुआ 25,000 ऐड हो गया, तो 1,00,000 का मैचिंग हुआ, आपका इनकम हुआ एक वीक का 12,000 रुपया दोस्तों। अच्छा इनकम है, एक महीने का 48,000, फुल टाइम लोग नहीं कमा पाते कई सारे लोग, और यहाँ पे पार्ट टाइम में आप जो काम कर रहे हैं उसके साथ साथ रोज का 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकाल के ये इनकम को आप 2 से 3-4 महीने में एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे करते करते आपका नेटवर्क बढ़ता है, हजारों में बढ़ता है। जिस दिन आपका 1 में 10,00,000, 2 में 10,00,000 एक वीक का बिजनेस होता है, मैचिंग 10,00,000 का होता है, आपका इनकम होता है 1,20,000 हफ्ते का। और ये कहां तक जा सकता है दोस्तों, जब भी आपका जो मैचिंग होता है 20,00,000 का, 20,00,000 का 1 में 20,00,000 का 2 में टर्नओवर, मैचिंग 20,00,000 का मिलना चाहिए 2,40,000, लेकिन नहीं मिलेगा। हाईएस्ट आपको मिलता है एक आईडी पे हाईएस्ट इनकम जो कि है 2,10,000 रुपया एक वीक का इनकम दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये हाईएस्ट इनकम एक आईडी पे है, इफ यू थिंक यू कैन, आप सोचते हैं तो ये आ सकती है, और इससे ज्यादा भी आप अर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्मार्ट तरीका है पैसा ज्यादा कमाने का, वो है ट्राइकोड सिस्टम। आप यहाँ है, आपके साथ ए और बी ने एसोसिएट हुए, और ए और बी ने क्या किया, 50-50 लाख का बिजनेस किया। ए के ऑर्गेनाइजेशन 1 में 25 लाख और 2 में 25 लाख, बी के 1 और 2 में 25-25 लाख हुआ, तो उन दोनों की इनकम कितनी होती है, उन दोनों की इनकम होती है 3,00,000 और 3,00,000, और आपकी इनकम होती है 6,00,000 रुपए, क्योंकि आपका 50,00,000 का मैचिंग हुआ 12% के अकॉर्डिंग 6,00,000 रुपए। लेकिन आपने क्या किया, एक स्मार्ट काम किया, जब आपने बिजनेस को शुरू किया था उसी वक्त ए और बी की जगह अपनी ही आईडी प्लेस की, और उसके बाद ए बी सी और डी को स्पॉन्सर किया और यही टर्नओवर क्रिएट किया, तो जो ए और बी वाला इनकम था वो आपके ही घर में आता है। यानी आपका इनकम कितना होता है, 3,00,000 एक जगह, 3,00,000 दूसरी जगह, और 6,00,000 बाय डिफॉल्ट जो मेन आईडी पे आना था। यानी आप उसी मेहनत में 6,00,000 की जगह 12,00,000 रुपए कमाते हैं दोस्तों, इसके कहते हैं ट्राइकोड सिस्टम। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, इस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से ट्राइकोड से स्टार्ट करना बेहद जरूरी है और बहुत अच्छा होता है अपने लिए। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसका जो ये जो सिद्धांत काम करता है वो डुप्लीकेशन प्रोसेस पे करता है। ये बिजनेस जो करता है डुप्लीकेशन के सिद्धांत पे काम करता है। ये देखिए मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं कि कोई व्यक्ति अगर एक महीने में 2 लोगों को भी बिजनेस में एसोसिएट करता है और यही डुप्लीकेशन चलता है, तो पहले महीने में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16, 5वें में 32, छठे में 64, जो नेटवर्क सिर्फ 6 महीने में सिर्फ 64 लोगों का बना, वो नेटवर्क 12वें महीने में आते आते 4,096 लोगों का होता है दोस्तों। और 4,096 लोग अगर 2001 में 2002 में होते हैं, तो अगर 1,000 का भी बीवी का परचेज होता है महीने में, तो लगभग 20,00,000 वन और टू में परचेजिंग होता है, आपका इनकम लगभग 2,40,000 रुपए महीने का होता है। सोच के देखिए दोस्तों, आपने सिर्फ 2 लोगों को एसोसिएट किया था, जो कि आसानी से किया जा सकता है। आप इसको धीरे धीरे भी करेंगे तो ये बिजनेस आपको साल 2 साल में बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकता है। इसके अलावा कंपनी आपको मौका देती है मंथली बेसिस पे परफॉर्मेंस बोनस आप ले सकते हैं, कंपनी के जो भी टर्नओवर है उसके प्रॉफिट में आप पार्टनर बन सकते हैं। परफॉर्मेंस बोनस शुरुआत से ही आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर लेवल से आप अचीव कर सकते हैं, और अभी तो कुछ ऐसे सारे ऑफर चल रहे हैं इस महीने के लिए जिसमें आप कम टारगेट के ऊपर भी परफॉर्मेंस बोनस अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप रैंक इनकम लेते हैं, पर्टिकुलर कोई रैंक्स होती है कुछ, स्टार सिल्वर, स्टार पर्ल, एमराल्ड, ऐसे कई रैंक से जहां 2% से 7% आप एक्स्ट्रा मंथली ले सकते हैं, जिसके ऊपर कोई कैपिंग नहीं है, वो अनलिमिटेड कितना भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लॉयल्टी बोनस एक लेवल के बाद में मिनिमम 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपया महीने तक ले सकते हैं। इसके अलावा अवार्ड एंड रिवॉर्ड है, इसके अलावा आप यहाँ पे ओवरराइडिंग बोनस ले सकते हैं, रॉयल्टी बोनस जो डायमंड एंड अबव को आता है वो भी आप कंपनी के टर्नओवर में पार्टनर बनते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे सम्मान और देश विदेश की यात्राएं भी
आपको लेने का मौका मिलता है दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक परचेसिंग का इतना सारा फायदा आप यहाँ पे ले सकते हैं और स्मार्ट वे में अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और जो तीनों सिद्धांत बताए थे जयपॉल गेटी ने, वो तीनों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम और सिक्योरिटी पे लेके जाया जा सकता है दोस्तों। इस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टार अट्रैक्शन है वो है नॉमिनेशन फैसिलिटी है दोस्तों, जिसके अंदर आप इस बिजनेस को करते हैं तो भगवान न करे हमें अगर कुछ होता है तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली हमारे नॉमिनी को ट्रांसफर होता है और वो जो इनकम आ रही थी वो एज इट इज नॉमिनी को आती रहती है। इसलिए बिजनेस दोस्तों सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारी लाइफ के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है। कंपनी अपनी तरफ से टीसी जो एक रैंक होता है हमारा टीम कोऑर्डिनेटर, उसके बाद 3 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराती है दोस्तों। मैं तो इतना कहूंगा, और कोई कारण हो ना हो हमारी लाइफ के अंदर, हो सकता है हमारे पास में पैसा बहुत हो, हमारे पास में और चीजें बहुत हो, सुख सुविधाएं हो, लेकिन अगर हमारे पास में सिक्योरिटी नहीं है, सोच के देखिए अगर हमको कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली क्या वैसी ही लाइफ जी पाएगी। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो ये बिजनेस आपको करना चाहिए, ये बिजनेस आपको उत्तराधिकारी नॉमिनेशन फैसिलिटी देता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों, ये सब कुछ हो जाने के बाद में इतना कुछ जब आप अचीव करते हैं तो आप एक ड्रीम लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में मैं कुछ फीचर्स की बात करने वाला हूं दोस्तों, ये बिजनेस के नटशेल में समराइज की बात करूं तो ये बिजनेस सबसे अच्छी बात क्या है कि बिना किसी निवेश के स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। आप आसानी से इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे पूरे इंडिया भर में कहीं भी फैला सकते हैं और आज तो हम डिजिटल माध्यम से घर बैठे हुए इंडिया के किसी भी कोने में ले जाके ये बिजनेस को स्टार्ट करवा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। यहाँ कोई लक्ष्य नहीं है आपके ऊपर, आप जितना चाहे आप ले सकते हैं। साप्ताहिक इनकम है, हर हफ्ते पैसा कमाने का यहाँ पे मौका मिलता है। अकाउंटिंग की बहुत कम जरूरत पड़ती है, खाली समय का सदुपयोग करना है, अपने काम के साथ जो खाली समय मिलता है वो समय इसमें डालना है, जो अनप्रोडक्टिव टाइम है उसको यहाँ इन्वेस्ट करना है, 3 से 5 साल उस काम को करना है, इस काम को उसके बाद आप काम नहीं करते हैं तो भी ये बिजनेस आपको पैसा दे सकता है दोस्तों। इसके अलावा घर से शुरू होता है, घर पर बैठ के हो सकता है, घर पर आधारित व्यवसाय है जिसमें आपको कोई बड़े खर्चे लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, असीमित संभावना है, बहुत बड़ा आपके पास में मौका है, आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। लाइक समुद्र की तरह यह व्यापार है, इसमें से कोई चाहे तो लोटा भी निकाल सकता है, कोई बाल्टी भी निकाल सकता है, कोई टैंकर भी ले सकता है और कोई चाहे तो पाइपलाइन फिट करके रख सकता है, जितना चाहे उतना पानी वो पाइपलाइन से ले सकता है। इतनी बड़ी संभावना है इस इंडस्ट्री और इस कंपनी के अंदर, इस बिजनेस के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको राइट साइड के अंदर लोगो दिख रहा है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, ये आपको ट्रेनिंग देने में मदद करता है और आपकी टीम आपको सपोर्ट करती है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि बिजनेस एक दूसरे की मदद से चलता है, विन विन सिचुएशन का बिजनेस है दोस्तों। मार्केट के बिजनेस टांग खींच के आगे बढ़ते हैं, कोई व्यक्ति नीचे होगा तो कोई दूसरा आगे बढ़ेगा, यहाँ व्यक्ति कोई एक आगे बढ़ेगा तो दूसरा आगे बढ़ेगा, एक दूसरे की सपोर्ट से बिजनेस बढ़ता है। इन सभी कारणों से माई लाइफस्टाइल एक सुरक्षित और सबसे बेहतरीन अवसर है दोस्तों, इसलिए आपको इस व्यापार को स्टार्ट करना चाहिए और आपको इस व्यापार को करने का जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा बोला जाता है सफलता निर्णय के बाद आती है और विलंब अच्छे अवसरों को दफना देता है। आज का दिन अभी का समय सबसे बेस्ट है, मैं तो कहूंगा अगर ये बिजनेस ने आपके घर पे दस्तक दी है तो आपको ये व्यापार को शुरू करना चाहिए, घर बैठे आपके पास में ये व्यापार आया है दोस्तों। ऐसा बोला जाता है कि अच्छी चीज घर बैठे आती है और बुरी चीज को मार्केट में लेने जाना पड़ता है, जैसे शराब को लेने जाना पड़ता है घर, दूध घर पे आता है, ये बिजनेस भी अच्छी चीज बनके आपके घर में आया है, इसको अपनाइए, इसका फायदा उठाइए, क्योंकि खोने को कुछ भी नहीं है, घर में प्रोडक्ट आने वाला है, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आप डूबत में नहीं जाने वाले, लेकिन एक मौका आपको मिलने वाला है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि आप निर्णय लीजिए, हम सब आपके साथ हैं, इस बिजनेस को करने का निर्णय लेकर आप अपने जीवन में एक सिक्योर्ड लाइफ, एक अच्छी लग्जरी लाइफ, एक ड्रीम वाली लाइफ को आप जी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने समझा ये बिजनेस प्लान क्या है, बड़े ही सरल शब्दों में आसान तरीके से मैंने आपको कम समय के अंदर ये चीजें बताई कि इस बिजनेस को कैसे किया जा सकता है, इस बिजनेस को आप क्यों करें, इस बिजनेस का थीम क्या है और इस बिजनेस से आपको अर्निंग कैसे हो सकती है। अभी जो मैंने आपको सेशन में चीजें बताई वो पूरी तरीके से मैंने बहुत नटशेल के अंदर आपको कम शब्दों में पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा जिसने आपको इन्वाइट किया है, जिसने आज का आपको लिंक भेजा है, उसके साथ एक बार फिर से आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप अटैच हो जाइए, आप फोन कॉल के थ्रू अटैच हो जाइए और अपने सवाल वगैरह जो कुछ भी आपके मन में है उनसे क्लियर कीजिए या इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझिए, इनकी इस प्रोडक्ट के बारे में समझिए, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं बहुत गजब के प्रोडक्ट हैं, अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। और देखिए इस समय इंसान क्या
ढूंढ रहा है, अच्छी इम्यूनिटी ढूंढ रहा है और एक अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहा है अपनी जिंदगी में पैसा बनाने का, तो ये दोनों चीजें ये व्यापार आपको दे सकता है। और इस व्यापार में कैसे कामयाबी मिलती है, इस व्यापार में किन लोगों ने बड़ी कामयाबी ली, उन लोगों से अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। ऐसे जबरदस्त चुनिंदा लोग जो भारत के अलग अलग शहरों से आज हमारे बीच में आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा आपकी मदद के साथ में। तो मिलते हैं उन लोगों से और उनसे साथ जानते हैं कि इस बिजनेस को उन्होंने कैसे डेवलप किया और क्या हासिल किया। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम आशीष तिवारी है, मैं जयपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। बाई प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ, पिछले 15 साल से मैं पत्रकारिता में लगा हुआ हूँ और इस बिज़नेस को बहुत ही शिद्दत के साथ में कर रहा हूँ। सिंपल सा रीज़न ये है कि इस बिज़नेस में पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। काम क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, अपने घर पे जितने प्रोडक्ट आते हैं, साबुन, तेल, पेस्ट, शैम्पू, जितने भी जिस भी ब्रांड के आप यूज कर रहे हो, मुझे नहीं पता आपको क्या मिला उनसे, लेकिन मैंने मेरे घर के ब्रांड को चेंज किया, मेरे घर पे आने वाले साबुन, तेल, पेस्ट, इनके ब्रांड को मैंने चेंज कर दिया, तो इस बिज़नेस ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हुई, मैंने मेरी ड्रीम कार परचेज की, मैं इस बिज़नेस के माध्यम से फॉरेन टूर जाके आ पाया। उसके अलावा मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे माध्यम से, इस बिज़नेस कॉन्सेप्ट के माध्यम से फॉरेन टूर जाके आए, पहली बार ज़िंदगी में जिन्होंने फ़्लाइट में यात्राएं की। ये सारा सब कुछ हो पाया सिर्फ आपके अपने घर का ब्रांड आप चेंज कर दें, घर में आने वाले प्रोडक्टों का ब्रांड आप चेंज कर देंगे तो ये बिज़नेस आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। दूसरी बात, बुज़ुर्गों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, और इस कॉन्सेप्ट में मुझे ये दोनों सुख नज़र आए। पहला सुख निरोगी काया, यहाँ पर वेलनेस की पूरी रेंज है, एलिमेंट वेलनेस ऑन एंड ऑन में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करते हैं, इसके अलावा आपकी सेहत को बहुत ही तंदुरुस्त रखने का काम करते हैं। उसके अलावा दूजा सुख घर में माया, आज लॉकडाउन में बहुत सारे लोग हैं जिनकी सोच लोक हो चुकी है, जो लोग करोड़ों रुपये लगाकर शोरूम जिन्होंने खोला था लेकिन ताला नहीं खुला, उनको एक रुपये की इनकम नहीं हुई, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से आज ऐसा कोई वीक नहीं जिसमें मुझे इनकम नहीं हुई हो। लगातार हर वीक इनकम करते जा रहा हूं और मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग पूरे देश भर में हैं जो हर वीक इनकम ले रहे हैं। आप भी ले सकते हैं, सिर्फ आपको अपने घर का जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसका ब्रांड चेंज कर दीजिए, एवरी वीक आप भी इनकम ले सकते हैं। आइए मिलकर एक इतिहास रचते हैं, बहुत आग तेजी से इस बिजनेस को बिल्डअप करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। तो नमस्कार, मैं मुकेश सिंह अलीगढ़ से हूं और बेसिकली इस बिजनेस में आने से पहले दोस्तों मैं प्राइवेट जॉब में था। मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट की डीएस डिग्री कॉलेज यानी भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से। दोस्तों आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश इन 2004। उसके बाद में दोस्तों मैं सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में चला गया और लास्ट टाइम भी मैं एक जॉब करता था एक इंस्टीट्यूट के अंदर जिसका नाम हुआ करता था नारायण एकेडमी ऑफ सिविल एविएशन। उस वक्त इस बिज़नेस को मुझे समझने का मौका मिला इस मैनेजमेंट के साथ में। दोस्तों मैंने इस बिज़नेस को देखा और इस बिज़नेस को एक पॉजिटिव डिसीज़न लिया इस बिज़नेस को करने का। मैंने एज ए पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को करने का डिसीज़न लिया क्योंकि दोस्तों जिस वक्त मैं जॉब करता था उस वक्त मेरी सैलरी हुआ करती थी 10,000 रुपये महीने। दोस्तों जब इस बिज़नेस को मैंने देखा तो मैंने यहाँ से सोचा कि ज़्यादा नहीं तो यहाँ से सिर्फ एक्स्ट्रा 5,000 रुपये महीने भी आ जाए करेंगे तो वो मेरे लिए दोस्तों एक एडिशनल सपोर्ट होगी। और इस सोच के साथ में दोस्तों मैंने इस बिज़नेस की एज ए पार्ट टाइम में शुरुआत की और जैसे ही दोस्तों मैं मेरी जॉब से लगभग डबल इनकम तीसरे महीने से ही लेने लगा, मैं इस बिज़नेस में एज ए फुल टाइम आ गया। दोस्तों मैं इस बिज़नेस को एज ए फुल टाइम आज की तारीख में कर रहा हूँ। इस बिज़नेस के माध्यम से बहुत बड़े बड़े चेंजेस मेरी लाइफ में आए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जब मैं जॉब करता था मेरे पास में एक डिस्कवर बाइक हुआ करती थी। मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत की और दोस्तों पहले 18 महीने में आई परचेज्ड माई फर्स्ट कार दैट वॉज स्विफ्ट। जस्ट विद इन 18 मंथ्स डियर फ्रेंड्स आई परचेज्ड माई फर्स्ट कार। उसके बाद में दोस्तों फिर मैंने मेरी सेकेंड कार परचेज की डस्टर। उसके बाद में दोस्तों फिर मैंने मेरी तीसरी कार परचेज की इस बिज़नेस से विटारा ब्रीजा। दोस्तों क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूं, इस बिज़नेस में आने से पहले मैंने कभी हवाई जहाज़ को भी नज़दीक से नहीं देखा था, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले मुझे एक फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करने का मौका मिला, वो था हांगकांग मकाओ। उसके बाद में दोस्तों फिर मैंने क्वालिफाई किया मलेशिया। उसके बाद क्वालिफाई मैंने किया दोस्तों थाईलैंड। फिर मैंने क्वालिफाई किया श्रीलंका। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने एक फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया थाईलैंड का।
और दोस्तों लास्ट टाइम मैं कंपनी के इंटरनेशनल कन्वेंशन में मलेशिया होके आया। दोस्तों ये सारे के सारे चेंजेस, ये सारे के सारे डेवलपमेंट मुझे इस बिजनेस की वजह से और इस मैनेजमेंट की वजह से पॉसिबल हो पाए। दोस्तों जिस वक्त मैं नौकरी करता था उस वक्त मेरी तनख्वाह होती थी 10,000 रुपये, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में मैंने एक वीक ऐसा भी देखा जिस वीक में मेरी 7 दिन की टोटल इनकम थी 183,000 रुपये, यानी 1,83,000 फॉर 7 डेज इनकम। तो दोस्तों इट इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू टीम वर्क एंड ड्यू टू पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री। और दोस्तों ये तो जस्ट अभी शुरुआत है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस बिजनेस की वजह से मेरी लाइफ में आए। जैसे एक बहुत बड़ा चेंज दोस्तों मेरी लाइफ में ये आया, मैं 2 लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता था, लेकिन दोस्तों आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है। तो मेरी आप लोगों को यही सलाह है, आप इस बिजनेस की शुरुआत करिए, जोरदार तरीके से इस बिजनेस को करिए। हम आपके साथ हैं, सारा मैनेजमेंट, सारी इंडस्ट्री आपके साथ है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय माय लाइफ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनू राय है और मैं झांसी से हूँ। और जिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को अभी आपने देखा है, इस काम को मैं लगभग 4.5 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया, क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन फैमिली से हूँ। झांसी में हमारा ज्वेलरी का बिजनेस है, झांसी में हमारा ड्राई क्लीन कैनवास है, झांसी हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है। तो स्टार्टिंग इसको पार्ट टाइम ही किया, क्योंकि एहसास नहीं था बिजनेस कितना बड़ा है। लेकिन जब इस बिजनेस को करते हुए मैंने कुछ ऐसे सफल लोगों से मुलाकात की, जिसमें हम सबके अपलायन, हम सबके मेंटोर मिस्टर बी के मिश्रा सर आते हैं, जो कि मथुरा से आते हैं। उसके बाद हमारे कंपनी के फर्स्ट रॉयल डायमंड मिस्टर राजेश यादव सर, उनका सानिध्य हमें मिला। कंपनी के फाउंडर डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर दयालन टी सर, उनका आशीर्वाद हमें मिला। ऐसे लोगों से मिलने के बाद मेरे मन के अंदर एक बात आई कि जिंदगी में यदि बहुत बड़ी सफलता पानी है तो इंडस्ट्री बेहतर ऑप्शन आपके लिए है। और मैंने सिर्फ 11 महीने के अंदर अपने सारे काम छोड़ करके माय डियर फ्रेंड्स इस काम को करना शुरू कर दिया, और तब से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अच्छी बात क्या है कि आज जो बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे साथ में, बेहतरीन मैनेजमेंट हमारे साथ में, आज उन सब की मदद से आज मैं सफल तरीके से एक बहुत अच्छी टीम बना पाया हूँ। इंडिया के काफी शहरों में मेरा आज बिजनेस चल रहा है। अच्छी बात कह कि मैं लाखों की इनकम आज महीने में यहाँ से करता हूँ। पिछले लास्ट ईयर में मैंने यहाँ पे 30 लाख रुपए की से ऊपर की मैंने इनकम की थी लास्ट ईयर। अच्छी बात क्या है कि मेरा जो टारगेट इस साल का है 2020 में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बिजनेस के माध्यम से लगभग 50 लाख के ऊपर मैं कमाऊंगा। और इस बिजनेस के माध्यम से मैं काफ़ी अच्छा अचीवमेंट भी यहाँ कर चुका हूँ। मेरी टीम में काफ़ी लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले चुके हैं, मैं खुद यहाँ से लगभग 50 लाख रुपये की गाड़ियाँ ले चुका हूँ। फ्रेंड्स अच्छी बात क्या है कि इस लॉकडाउन के टाइम पर मेरे जहन में एक बात आती है कि जिंदगी में यदि मेरा डिसीजन सबसे अच्छा डिसीजन कोई रहा है तो वो माइलेज सेल करने का रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स आज मैं देख रहा हूँ कि आज हमारी फैमिली में जो दूसरे बिजनेस हाउसेस हैं, आज वहाँ जो क्राइसिस चल रहा है, हम लोग लाखों रुपए की सैलरीज बांटते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और पिछले 2 महीने से लगातार बांट रहे हैं, लगातार व्यवसाय खर्चे हमारे जारी हैं, लेकिन वहाँ से इनकम कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स अच्छी बात क्या है, इस बिजनेस की जो खूबी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो खूबी है वो यही है कि यहाँ पे व्यवसाय खर्च बिल्कुल जीरो है। और मैं इनकम की बात करूं तो सिर्फ अप्रैल महीने के अंदर मेरे खाते में लगभग 4.5 लाख रुपए के ऊपर ट्रांसफर हुए माय डियर फ्रेंड्स। अच्छी बात क्या है कि लॉकडाउन के टाइम पे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब भी विपत्तियां आती हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो उन विपत्तियों में कुछ लोग बिखर जाते हैं लेकिन कुछ लोग निखर जाते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की वजह से जो क्राइसिस चल रहा है, जितने चाहे कितने बड़े इन्वेस्टर हों, चाहे कितने बड़े बिजनेसमैन हों, आज किसी बिजनेस में किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, किसी नए बिजनेस को करने के लिए पैसे डालने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका विजन ही नहीं बन पा रहा है कि एक दुनिया कहाँ जाने वाली है। ठीक उसी तरह से यदि हम बात करें जॉब की, तो जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी इंडस्ट्री आज तबाह हो चुकी हैं, चाहे हम एविएशन देख लें, चाहे हम होटल इंडस्ट्री देख लें, चाहे टूर एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्री देख लें, पूरी दुनिया के अंदर आज लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। तो जॉब की यदि बात करें तो नया जॉब तो मिलना बहुत मुश्किल की बात है। जो पहले से जॉब कर रहे हैं, आज उन्हें अपनी खुद की जॉब बचाना भी अपने आप में एक चैलेंज है माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज अच्छी चीज़ क्या है कि इतने बड़े क्राइसिस के टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे उभरी है, क्योंकि दुनिया का सबसे लो बजट बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूंगा कि यही परफेक्ट मौका है इस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाने का, अपना करियर बनाने का, क्योंकि दुनिया का इकलौता व्यापार ऐसा है फ्रेंड्स जहां बगैर लाखों करोड़ रुपए लगाए आप यहां से लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में इस बिजनेस को शुरू करने का, आप डिसीजन लीजिए, हम सब आपके साथ में, हमारा मैनेजमेंट आपके साथ में। जल्द से जल्द आप माइलेज के किसी व्यक्ति से मुलाकात करके अपने सपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपने इस बिजनेस की शुरुआत करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द सक्सेस। जय हिंद, जय माइलेज, जय जय माइलेज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं
हमारे इस GTS में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है दीपक मुनंकर, गोवा से बिलोंग करता हूँ। आज आप लोगों ने माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का ये GTS देखा है, ये प्रेजेंटेशन देखा है। मैंने भी 10 साल पहले इस बिजनेस के बारे में प्रेजेंटेशन सुना था। मुझे एक अनजान आदमी ने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाया था, मुझे इस बिजनेस के बारे में समझाया था, तो मुझे उस वक्त कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन उसके बाद मुझे जब फिर से वो मेरा अनजान आदमी दोस्त उस वक्त बन गया, उसने मुझे समझाया और मुझे मैं बिजनेस में इसे एंटर कर दिया। 10 साल पहले जब इस बिजनेस के बारे में उतनी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, बिजनेस कैसा करना है मालूम नहीं था, उस वक्त मुझे उन्होंने सिखाया कि ये धंधे को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मैंने कुछ वक्त निकाला और इस धंधे को समझ के लिया और मैंने इस धंधे की शुरुआत की। बहुत तकलीफ होती थी बिजनेस करने में, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव लोग आजू बाजू में रहते हैं। फैमिली से भी मुझे प्रोत्साहन नहीं मिलता था इस बिजनेस करने के लिए, तो तकलीफ होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस मिलते गया, आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि इस बिजनेस के जरिए बहुत सारे सपने मेरे पूरे हो चुके हैं। इस बिजनेस में आने के पहले ट्रेडिशनल बिजनेस करता था, बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते ट्रेडिशनल बिजनेस में, बहुत कर्जा भी था। लेकिन इस बिजनेस में एक पैसा लगाए बिना बिजनेस शुरू होता है और इस बिजनेस से बहुत बड़ा पैसा भी आता है। आज बहुत लग्जरियस लाइफ जीता हूँ। आज मेरे लाइफ के अंदर मर्सिडीज कार है, बहुत सारे ऐशो आराम है और बहुत अच्छा लाइफ हम लोग जीते हैं। मैं आप सभी लोगों को गुजारिश करूँगा कि ये बिजनेस को समझ लो, इस बिजनेस में आ जाओ। ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आपको बहुत बड़ा सक्सेस पाना है तो चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आज के माहौल के अंदर हमें बहुत बड़ा चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले हम लोग एक दूसरे के सामने बैठ के बिजनेस समझते थे, लेकिन आज ये नई तरीका है और जिसके तरीके से हमें बिजनेस समझना है और इस बिजनेस को एक्सेप्ट करके आगे जाना है। तो मैं आपको सभी लोगों को गुजारिश करूंगा कि आ जाओ, सब लोग साथ में मिलकर हम लोग बिजनेस करेंगे और बहुत बड़ा ऐशो आराम और अच्छा लाइफ जिएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा। अपनी इस एमएल लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में प्राउडली आईटीसी रैंक इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर रैंक पे हूं। और दोस्तों, ये सब कुछ इस बिजनेस में दिल से काम करने की वजह से हुआ है। मैं भी आपके ही जैसा एक छोटी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। हाँ, एजुकेशन के रूप में देखा जाए तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमएससी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और उसके बाद में केमिकल इंजीनियर की डिग्री ली, और उसके बाद एक प्राइवेट सेक्टर में छोटी सी कंपनी में 15 साल एज ए केमिकल इंजीनियर, एज ए लास्ट में क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर काम किया। लेकिन दोस्तों, नौकरी नौकरी होती है, और ये बात हमको बहुत बाद में समझ में आई जब धीरे धीरे हम देखने लगे कि हमारी नौकरी में लिमिटेशन है। हम नौकरी करते करते जिंदगी काट तो सकते हैं, लेकिन अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते। तो दोस्तों, हम एक बहुत अच्छे मौके की तलाश में थे, और तब जैसे आज आप ये सब बातें सुन रहे हैं, हमारे लीडर ने जो सब बातें आपको बताई प्रोडक्ट के माध्यम से, प्लान के माध्यम से, आपको तो बहुत अच्छे तरीके से बताई गई। लेकिन मेरे लिए ये बातें हमने वन टू वन लेवल पे सुनी थी, मेरे दोस्त ने मुझे सब बातें वन टू वन लेवल में बताई थी। मुझे इसमें से ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया था, लेकिन दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक तो ये कि इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं वो हम कहीं ना कहीं से लेते ही हैं।
तो चलो हम जो भी पैसा देंगे उसके बदले में हमको बहुत अच्छा सामान मिल रहा है और मैं क्वालिटी कंट्रोल का आदमी रहा हूं, तो मुझे ये चीज मालूम पड़ी कि भी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं। तो वो मैंने इस्तेमाल किए तो और ज्यादा विश्वास हुआ कि अब वाकई में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और दूसरी जो बात मुझे समझ में आई कि इस बिजनेस में कि जो भी इनकम आएगी वो तो ठीक है, मेरी मिसेज एमए बीएड थी तो उसको टीचिंग का बड़ा शौक था, तो उसके मन में जब हमारे बच्चे छोटे छोटे जब बच्चे हुए तो उसको जॉब छोड़ना पड़ा टीचिंग का, तो उसके मन में एक बात रहती थी कि मैं कैसे पैसा कमाऊं। तो मेरे मन में आया कि चलो इसके नाम से कुछ पैसा आना शुरू हो जाए तो ये घर में खुश रहेगी, अच्छे तरीके से घर को मैनेज करेगी। और एक अच्छी बात समझ में आई थी कि इस बिजनेस में एक नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है, आपने भी सुना होगा। और मैं मेरी कंपनी में कई बार चीजें देखता था क्योंकि 15 साल के मेरे नौकरी के अनुभव में मैंने कई बार ऐसा सुना कि मेरी कंपनी में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई, कभी किसी का इलेक्ट्रीशियन का करंट लग गया, कभी किसी का ऑपरेटर का हाथ कट गया, बहुत सारी घटनाएं दुर्घटना होती रहती थी। तो मैं ऐसा सोचता था कि भगवान अगर कहीं गलती से मुझे कभी कुछ हो गया तो क्या मेरी फैमिली, क्या मेरे बच्चे वो सब चीज मैनेज कर पाएंगे, क्या ये सब कुछ बढ़िया चल पाएगा, कि ये मेरा काम है मेरी फैमिली के लोग कर पाएंगे। तो वो मन में एक डर बना हुआ था। तो वहां पर एक मुझे जो चीज अच्छी लगी कि इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी है, तो मैं जो भी बिजनेस डेवलप करूंगा, जो भी इनकम मैं छोड़ के जाऊंगा, तो मेरी फैमिली को हमेशा मिलती रहेगी। और दोस्तों इन्हीं बातों को लेकर के मैंने शुरुआत करी। शुरुआती दौर में जैसे हम सबके साथ में होता है, बहुत सारी बातें हम कर पाए, बहुत सारे लोगों से मिले, कई लोगों ने ना बोला हाँ बोला, लेकिन हम हमारे सीनियर लोग हमको बहुत अच्छे मिले थे, हमारे गुरु लोग बहुत अच्छे मिले थे, और जिनके सपोर्ट की वजह से और हमारी कंपनी बहुत अच्छी, जिनकी कंपनी की सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ता गया दोस्तों। और उसका नतीजा हुआ कि सिर्फ कुछ ही समय में मैं इस बिजनेस को फुल टाइम ज्वाइन कर पाया, क्योंकि मेरी 15 साल की नौकरी को मैंने सिर्फ मेरी 5 महीने की मेहनत में, कितने महीने की मेहनत में, 5 महीने की मेहनत में मैंने रिप्लेस कर दिया। जो मुझे वहां से जो सैलरी मिल रही थी उससे ज्यादा यहाँ पर मैं हर हफ्ते पैसा कमाने लगा, फुल टाइम इस बिजनेस को करने लगा। और फुल टाइम करने के बाद दोस्तों फिर तो मेरी टीम पूरे बहुत सारे, आज भारत का लगभग ऐसा कोई भी राज्य नहीं है दोस्तों जहां पर मेरी टीम नहीं है, और उस टीम की वजह से आज मेरे बहुत सारे सपने पूरे हुए, बहुत सारे घर लिए हमने, बहुत सारी गाड़ियां ली हमने, आज हमारे पास पहले एक मर्सिडीज थी, आज हमने दूसरी मर्सिडीज ली हुई है जो करीब 1.25 करोड़ की कीमत की है। तो ये सारे सपने दोस्तों पूरे हुए, ये सारे सपने हमारी टीम में बहुत सारे लोगों के भी पूरे हुए हैं। आज हम जब अपनी टीम के लिए हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी टीम के लीडर हमको एयरपोर्ट पे या स्टेशन पे रिसीव करने आते हैं अपनी कार से, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि आज हमारी टीम में बहुत सारे लीडर अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। ये आपके साथ में भी हो सकता है दोस्तों, विश्वास कीजिए, मैंने विश्वास किया इस बिजनेस के ऊपर, इस मैनेजमेंट के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर मैंने विश्वास किया, मेरे सारे सपने पूरे हुए हैं। अगर आज आपने सब बातें सुनी हैं, देखी हैं और एक डिसीजन लिया आपने कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ में। हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि आपकी जिंदगी में बेहतरीन कामयाबी आए, यही शुभकामना के साथ में दोस्तों हम जोर से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, जय हिंद जय जय माय लाइफ स्टाइल, थैंक यू माय डियर। तो देखा दोस्तों आपने, इतने सारे लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग एज से, इसमें कोई मायने नहीं रखता दोस्तों, आप कहां से हैं, आपका अनुभव क्या है, आपकी एज क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपको ये व्यापार करने के लिए कोई आपके पास में एक वजह है क्या, अगर आपके पास में वो वजह रही, वो कारण रहा, तो ये व्यापार आप कर पाएंगे दोस्तों। और इस वजह को जब आप निकाल लेते हैं तो निर्णय खुद ब खुद हो जाता है दोस्तों। और मैं तो एक ही बात हमेशा बोलता हूं, सफलता निर्णय के बाद आती है और विलंब मच्छर दूसरों को दफना देता है दोस्तों। इसलिए मैं कहूंगा इस बिजनेस को आज के दिन आपने देखा है, आज के दिन स्टार्ट कीजिए और आज से अपने बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए प्रयास शुरू कर दीजिए। ऐसा कहा जाता है पल भर में जिंदगी बदलती नहीं है, लेकिन इतना भी जरूर कहूंगा
करूंगा कि पल भर में किए गए निर्णय से जिंदगी जरूर बदल सकती है। तो निर्णय लीजिए, इस व्यापार को आगे बढ़ाइए, अच्छी हेल्थ बनाइए, अच्छी वेल्थ बनाइए, अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कीजिए और अपनी जो इच्छाएं अधूरी आपकी रह गई है लाइफ के अंदर, उन इच्छाओं के लिए, उन सपनों के लिए प्रयासरत हो जाइए। हम सब लोग आपके साथ में है, पूरा माई लाइफस्टाइल परिवार आपके साथ में है, पूरा डायरेक्ट सेलिंग का परिवार आपके साथ में है। आपने इतनी देर अपना समय निकाल के इस GTS में भाग लिया और इतने सारे लोगों को बड़े ही जागरूकता के साथ में सुना, इसके लिए मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाला आपको इतनी बुद्धि और शक्ति प्रदान करे कि आपको एक पॉजिटिव निर्णय ले सके। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू वेरी मच।